मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूज़, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 162 एपिसोड होने जा रही है, और जो सफ़र 2018 में 2018 में शुरू हुआ था, आज भी वो सफ़र रवा दवा है। हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाते रहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में रहते हुए बहुत ज़्यादा नाम और मुकाम पैदा किया होता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए वो हमेशा फ़ख्र का सबब बने हैं। आज इन्हीं में से एक मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से कह लें, मेरे बड़े बड़े भाई के समझ लीजिए, मेरे मोहसिन समझ लीजिए। जी हाँ, अगर हम पंजाब में पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जमात के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मियाँ मोहम्मद अयूब साहब की। मियाँ साहब का अगर मैं तारुफ कराना चाहूँ चंद अल्फाजों में, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ और उनका काम शायद उन अल्फाज और उन तारुफ से काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। मियाँ साहब एडवाइज़र रहे हैं जी, फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब के। इसके अलावा मियाँ साहब एक्स एडवाइज़र रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर को देखते रहे हैं। इसके अलावा PSF किसी दौर में होती थी, पीपल्स पार्टी, स्टूडेंट फेडरेशन और PYO, ये उसको भी यानी कि मियाँ साहब हेड करते थे, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेजिग्नेशन के पास रहे हैं, लेकिन इन सब डेजिग्नेशन से ऊपर एक डेजिग्नेशन उनके पास है, वो ये है कि वो बसीयत इंसान और दोस्तों के दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। आज की गुफ्तगू में, आज ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी के उन लोगों में से हैं जो मोहतरमा के भी करीब रहे हैं, तो हम वो पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करेंगे कि जो आज पीपल्स पार्टी जहाँ पर खड़ी है पंजाब में, और आगे जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि मियाँ अयूब साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र। जी वेलकम टू माई शो मियाँ साहब, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र है, और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज मियाँ अयूब साहब मेरे साथ मौजूद है। मियाँ साहब वेलकम टू माई शो, और ये वाइस प्रेसिडेंट पंजाब भी हैं आजकल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मियाँ साहब थोड़ा सा बताइएगा, ये ख्वाबों के जो सफ़र का सिलसिला है, ये कहाँ से, ये स्ट्रगल आपने शुरू की, और पीपल्स पार्टी ही क्यों, यही जमात ही क्यों ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मेरा ये सियासी सफ़र पीपल्स पार्टी के लिए स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ। जब मैंने अपनी तालीम कॉलेज में गया तो PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन लाहौर का प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का प्रेसिडेंट बना। तो उस वक्त जब हम छोटे थे तो 78-79 में, तो भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, टीवी पे उनकी खबरें देखते थे। तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने दो दफ़ा भुट्टो साहब से हाथ मिलाया। 77 की बात है, जब मुल्क में माशाल्लाह था, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हम इछरा में रियाज पजीर थे, तो मेरे साथ वाला घर मौलाना मदूरी साहब का था, तो बुजुर्ग थे, अक्सर कुर्सी पर बैठ के वो नमाज पढ़ते थे। तो 77 में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो मैं इशा की नमाज पढ़ने गया, अक्सर उनके पीछे पढ़ते थे, हमसाए जो थे, तो अचानक भट्टो शहीद वहाँ पे आ गए, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, काफ़ी पुलिस एजेंसियाँ आई, हूटर वगैरह बजे, तो जब वो आए आगे खड़े हो गया, हम जमात इशा की नमाज जारी थी, जब हमने सलाम फेरा तो भट्टो साहब आए,
मुझसे भी उन्होंने हाथ मिलाया, सर पे हाथ फेरा, मौला मदूदी साहब से मिले, वो अंदर कमरे में उन्हें ले गए। उसके बाद सियासत देखता रहा मैं, मेरे घर के राइट हैंड पे इस्लामी जी में तुलबा का ऑफिस था, लेफ्ट हैंड पे मौलाना मदूदी साहब का घर था। तो उस घर के दरमियान वाले घर से मैंने पीपल्स पार्टी की सियासत शुरू की, इसलिए कि भट्टो शहीद की शख्सियत से मैं बड़ा मुतासर हुआ। और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, फिर देखा गिरफ्तार किया गया, फिर जो जो जुल्म सितम पीपल्स पार्टी पे भट्टो साहब पे हुए, उन्होंने फिर फांसी दे दी गई, तो वो मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैंने फैसला कर लिया कि जिस पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, एटम बम दिया है, तो क्यों ना उसका साथ दिया जाए। जब मुझे ये भी याद है, मैं बहुत छोटा था, 1974 में जब इस्लामी सेमट कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, तो हमारा लिबर्टी मार्केट में होटल था, तो उस वक्त के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, किंग, प्रेसिडेंट ने लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग की। तो हमारे होटल में भट्टो साहब, शाह फैसल साहब, कजाफी साहब आए, तो मैं छोटा था उस वक्त भी उन्होंने मुझे हाथ मिलाया और सर पे हाथ मिला। क्या बात, अमेजिंग। तो वहाँ से भट्टो साहब की शख्सियत मेरे दिमाग में उतर गई। फिर ज़िया दौर आ गया, स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी थी, तो हमें पीएसएफ का नाम, पीपल्स पार्टी का नाम लेने पे पाबंदी थी, पकड़े जाते थे, पर्चे होते थे। मगर उसके बाद बावजूद हमने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। फिर मोहतरमा के साथ, जब मोहतरमा पाकिस्तान आई 1986 में, तो उस वक्त हम एमए कॉलेज में थे, तो उनका बहुत ज़्यादा हमने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उनके इस्तकबाल करने की सूरत में हमें 56 लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया। तो उससे ज़्यादा फिर और मेरे दिल में पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत बढ़ी। फिर यह सफ़र चलता रहा। फिर मैं जब पीएसएफ पंजाब का प्रेसिडेंट बना, तो फिर उस वक्त हमारी हुकूमत आ चुकी थी, मेरी सभा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गई थी। उसके बाद मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। मगर 2000 में मैं स्टूडेंट लाइफ से फारग हुआ, तो मैं पीवाईओ, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का मुझे सदर बना दिया गया। उस वक्त पूरा पंजाब था, टक से लेके रही 11 साल का बात था। तो 2013 तक मैं प्रेसिडेंट रहा। 2010 में मुझे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र बना दिया गया और यूथ मिनिस्ट्री में एडवाइज़र लगा दिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, शासी कार्ड दिया, एटमी टेक्नोलॉजी दी, बेनज़ीर साहबा ने एटमी मिसाइल दिए, फिर जरदारी साहब आ गए जब मोहतरमा शहीद हुई, तो और हमारे अंदर जज्बा शौक बढ़ा कि सियासत की जाए, इबादत की जाए, लोगों के काम किए जाए। तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी बहुत काम किए, उनके साथ काम किया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए। तो एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क से और ख़ासकर पंजाब से ख़त्म करने की साजिश की गई। भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बेनज़ीर को शहीद किया गया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा सके, मुल्क को तोड़ा जा सके। मगर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर मुल्क को बचा लिया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो आज तक ये सफ़र जारी है। इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उससे पहले मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, उससे पहले मैं डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ, सीसी का मेंबर रहा हूँ। तो ये सफ़र जारी है और इंशाल्लाह इस मुल्क से गुरबत, बेरोज़गारी, महंगाई को ख़त्म करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे और पंजाब हम वापस लेंगे। जी मियाँ साहब, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी डिटेल के साथ ये पूरा अपना सियासी कैरियर का सफ़र बताया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, दो तीन चीज़ें मैं उसके ऊपर पहले डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि एक दौर था, बड़ी तरीकी इलाके में आप रहे हैं, इछड़ा जी, जी। मैं उस इलाके को, एरिया को समझता हूँ क्योंकि मेरा अपना भी तल्लक उसी एरिया से है। तो एक तरफ मौलाना मदूदी साहब जैसी शख्सियत हो, सहर अंगेज शख्सियत, जो वो पूरा इछड़ा, वो जो आप बता रहे हैं, वो जमात इस्लामी का एक घर था जी, जी, जी। और मियाँ सुमान वगैरह ये सब लोग भी थे, आप भी वहीं पे परवान चढ़े। दूसरी तरफ भट्टो साहब, तो ये दोनों में, यानी कि आपके जो कजन्स वगैरह हो गए, जो फैमिली होगी, वो तो ज़्यादा मौलाना मदूदी साहब और जमात इस्लामी की तरफ उनका होगा। हमने खुद देखी वहाँ की सियासत बहुत करीबी, जिसको ग्रास रूट सियासत कहते हैं। तो आपने वाई, असल वजह सिर्फ भट्टो साहब की वो शख्सियत थी कि आप उनसे मुतासर हो गए, आपने भट्टो साहब के पीछे लग गए एक यंगस्टर की तरह, जैसे आजकल एक पीटीआई का दौर है तो उसका जो फॉलोअर्स है वो सिर्फ इम्प्रेस है इमरान खान से।
तो ये एक वजह थी कि बुनियादी कि कुछ और, यानी कि आपको उनकी पॉलिसी से आप सहमत थे कि आपने कहा नहीं ये लीडर है मेरा, इसको हमने आके लेकर आना, पहले तो ये बताइए। देखिए लीडर तो दुनिया का मैं समझता हूँ भुट्टो शहीद से बड़ा लीडर कोई नहीं था। उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया, अगर आज वो होते तो यकीन पाकिस्तान सुपर पावर होता, मगर सुपर पावर इसके बावजूद टाइगर होता, सबसे बड़ी बात ये है इसको नहीं, एशियन टाइगर से भी बड़ा सुपर पावर होता। और वो जो पाकिस्तान के लिए जो बुनियाद रख गए हैं, एटमी टेक्नोलॉजी दे गए हैं, बम दे गए हैं, आइन दे गए हैं इस मुल्क को, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आज तक उनकी बड़ी सहरंगेज शख्सियत थी उनकी। सर एटम बॉम्ब भी तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे जाता है, शासी कार्ड बनाया, शासी कार्ड, आईडी कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट ये सारी स्टील मिल बनाई उन्होंने, तो ये सब कुछ उनकी चीजों से हम बड़े मुतासर हुए। दूसरा उस वक्त में जमीयत का बड़ा दौर था, दहशत की अलामत थी वो। हम जब काले में दाखिल हुए थे हमें वो काले में दाखिल नहीं होने देते थे, स्टूडेंट थे अंदर जाते थे मारते थे, पूरे लाहौर में उस वक्त उनका तूती बोलता था, हर कॉलेज में था, मगर एक स्टूडेंट जो जितने एंटी स्टूडेंट थे वो सारे हमारे साथ मिले, हमने कहा कि यार ये ज्यादती है, स्टूडेंट हैं फीस देते हैं पढ़ने आते हैं तो ये हमें पढ़ने नहीं देते। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा 3-4 दफ़ा एडमिशन हुआ, एम ए में उन्होंने नहीं होने दिए, जाते थे लड़ते थे मारते थे। तो फिर जब हम एम ए कॉलेज में हम 83 में 2 में जीते हैं तो फिर जितने एंटी लोग थे वो सारे हमारे पास आ गए, तो वह जो एम ए कॉलेज एक दहशत की अलामत था, लोग वहाँ से डरते थे गुजरते हुए, जमीन का वर्ड था वो, हमने इनसे वो छुड़वाया और हमने फिर स्टूडेंट को पुरमन तालीमी माहौल मुहैया किया, वो जो उस लादा की इज्जत नहीं ये करते थे इज्जत करवाई, तो इस वजह से फिर हम आगे बढ़ते चले गए। तो वो दौर बड़ा ख़तरनाक दौर था, मगर हमने सिर्फ अमन के लिए और तलबा की इज्जत के लिए, उस्तादा की इज्जत के लिए हमने सियासत शुरू की कि हम इन्हें इनका असल मकाम दिलाएंगे, तो उसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए। तो मियाँ साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते करते मियाँ अयूब साहब, अगर मैं ये कहूँ कि इछड़ी की गलियों से निकलते हुए मियाँ साहब गुलबर्ग तक पहुँच गए और फिर यही मियाँ साहब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी देखा, ये भी लाहौर के लिए एक बड़ा एजाज था, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया कुछ करके दिखाने का, तो आप भी बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो आजकल के बच्चे हैं उनको पता चले जो पीपल्स पार्टी से इंस्पायर है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे उस दौर में आपने पंजाब के लिए क्या ऐसा किया कि जो पीपल्स पार्टी ना सिर्फ बल्कि पंजाब के लोगों के लिए बहुत खुशहाल चीज है। देखें जी मैं जब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बना, क्योंकि वो यूथ प्रेसिडेंट था उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी का, तो उस बेस पे मुझे प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइज़र बनाया और यूथ मिनिस्ट्री दी गई मुझे। ओके। मगर नौजवानों के लिए मैं बड़ा कुछ करना चाहता था, मगर बदकिस्मती से मेरे एडवाइज़र बनने के चंद ही दिनों बाद 18वीं तमीम आ गई और बेशुमार मिनिस्ट्रियाँ सूबों को सूबों, मगर जब तक मैं रहा हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, 4.5 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट को हमने डीसी और एसी के जरिए मुतलका स्टूडेंट को एग्जीक्यूट किया, इंटर्नशिप के मदद में पॉकेट मनी दी 10,000 रुपए महीना। अच्छा, यानी कि हर एसी उस जमाने में 10,000 की बड़ी वैल्यू थी, वो जहाँ से वो हमें लिस्टें भेजते थे जो मास्टर जिन्होंने किया हुआ था उनके लिए। फिर फाटा के नौजवानों का वक्त हमें मिला मिनिस्ट्री में, उन्होंने कही हमें वहाँ पे सहूलत मैसर नहीं है, मास्टर नहीं हम कर सकते, ग्रेजुएशन हमने की हुई, तो मैंने कहा आपको भी 10,000 रुपये महीना पॉकेट में नहीं मिलेगी और एक साल के लिए हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग देंगे, जिस भी महकमे में आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग लें इंटर्नशिप करें। और उसके बाद मैंने देखा कई नौजवान लड़के लड़के 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपये की जॉब्स की वहाँ पर ट्रेनिंग की वजह से। फिर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, हमने ऐसे स्टोरी प्रोग्राम शुरू किया, उस पर कम्पिटिशन कराया हमने दिया, फिर हमने सक्सेस फुल स्टोरी के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, जो खवातीन हजरात अपनी मदद आपके साथ जिन्होंने बिजनेस की उन्हें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें लोन दिए, उनकी हमने सपोर्ट की। फिर हमने जगह जगह पे यूथ टेक्निकल हैंड्स लोगों के लिए, यूथ की वैन जाती थी उन्हें मोबाइल वगैरह ठीक करना चलाना, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सिखाया हमने, तो ये काफ़ी काम प्रोग्राम जारी था नौजवानों के। आईएलओ से हमने एग्रीमेंट किया, अमेरिका की एक दो फर्में उनसे हमने एग्रीमेंट किया नौजवानों की बेहतरी के लिए, मगर बदकिस्मती से मैं बता रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्रियाँ पहले डिसॉल्व हो गई उनमें यूथ मिनिस्ट्री भी शामिल थी, मगर हमने नौजवानों को अवेयरनेस दी, उन्हें
पढ़ाया लिखाया, उन्हें नौकरियां दिलवाई। तो पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के तनासब लिहाज से यूथ पाकिस्तान में। सर 64% आपका यूथ है इंडिया और खत्म कर देगी तो ये तो बड़ा डिसअपॉइंटेड बात है। जी मैं बता रहा ना, इंडिया और चाइना 1.5 अरब से ज्यादा आबादी है, वहां भी इतनी यूथ नहीं है जितनी पाकिस्तान में। तो हम बड़ा कुछ करना चाह रहे थे मगर पता नहीं क्या था, कुदरत को मंजूर था कि मैं नौजवानों के लिए इतना कुछ नहीं कर सका। मगर जॉब्स नौजवानों के लिए होती हैं और मेरी कोशिश थी कि नौजवानों को जॉब दो। मगर जब मैंने वर्कआउट किया तो हर साल पाकिस्तान में 10 लाख नौजवान पढ़ के फारिग होते हैं और जॉब्स हम बड़ी मुश्किल से प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट मिलकर 80-90 हज़ार, 1 लाख से ज़्यादा हम जॉब्स नहीं दे सकते। हर साल 9 लाख स्टूडेंट फारिग बेरोज़गार हो रहे हैं। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए था मगर वो क्योंकि मिनिस्ट्री सूबों को आ गई, अब आगे सूबों का काम है कि वो नौजवानों के लिए कुछ करें। यानी कि आप लोग कुछ कर नहीं सके, जितना चाहते थे जितना चाहते थे हाँ डिलीवर कर सकते थे वो नहीं कर सकते। मियां साहब आपके ऑफिस में मैंने देखा है बहुत तारीखी पिक्चर्स हैं, स्पेशल मुझे एक पिक्चर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वैसे तो सारी है, जिसमें आप ऐसी सहर अंगीय शख्सियात के साथ भी आपका उठना बैठना रहा है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब और उनके साथ, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही सादा इंसान थे मराज खालिद साहब मरहूम। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये दो ऐसी शख्सियात थी कि पाकिस्तान की सियासत जब भी लिखी जाएगी, तारीख लिखी जाती है, तो इन दो बंदों का जिक्र के बगैर सियासत नामुकम्मल है। तो आप क्या देखते हैं, आप इनके करीब रहे हैं तो क्या सीखा आपने इनसे? देखिए नवाबजादा नसरुल्लाह साहब पूरी एक यूनिवर्सिटी थी सियासत की। हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नरम मिजाज इंसान थे और पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जोड़ तोड़ में और इताद बनाने में, जो आजकल जरदारी साहब करते हैं वो इनके पास है ना। मलक मराज खालिद साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी बहुत दरवेश इंसान अच्छे शरीफ इंसान थे। ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने कोई करप्शन इन पे इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई बेईमानी फ्रॉड धोखा कुछ नहीं, उन्होंने बड़े सही तरीके से अवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश की, मगर कुदरत ने उन्हें मौका नहीं दिया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मगर मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान का नाम है सियासी तौर पे इन दोनों का नाम जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। मियां साहब आपने मोहतरमा के दौर देखे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने डिलीवर भी करने की कोशिश की, वो अलग बात है उनको चलने नहीं दिए गया, वो वजूहत आपको भी पता है। अगर आप समझते कि मोहतरमा का जो फिलोसफी थी या मोहतरमा का जो विजन था, तो जरदारी साहब उसी विजन को लेके आगे चले हैं और थर्ड जनरेशन बिलावल आ चुके हैं, तो आप समझते हैं कि वो मोहतरमा के वाकई रेल में जानशीन साबित होंगे कि वो जो पॉलिसीज हैं वो दूसरी तरफ से यानी कि जरदारी साहब के जानशीन साबित होंगे? लेकिन जो मोहतरमा ने सियासत की वो डिफरेंट सियासत थी और उन जैसा या उनसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में नहीं आ सकता। उन्हें बहुत ज़बरदस्त सियासत की, दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और अगर उन्हें तीसरी दफ़ा मौका मिलता प्राइम मिनिस्टर बनते तो पाकिस्तान की उन्होंने तकदीर बदल देनी थी, पाकिस्तानियों की पाकिस्तान, मगर कुदरत ने उन्हें मौका नहीं दिया। मगर जरदारी साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त सियासत की है, वो पहले पाकिस्तानी हैं जो दो दफ़ा प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है, तो बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं। मगर हालात मुल्क ही ऐसे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे हालात चल रहे हैं कि अभी पाकिस्तान क्राइसिस में फंसा हुआ है। बीच में एक दो गवर्नमेंटें ऐसी आ गई जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं, वो कि ये हुकूमत हमारी नहीं मगर इनके हम कोलिशन पार्टनर हैं, हम इन्हें बैकअप कर रहे हैं, अभी हम हुकूमत में इनके साथ शामिल नहीं हुए। मगर अगर हम इनका साथ ना देते तो उस वक्त किसी की भी हुकूमत नहीं बनती, किसी के पास अक्सर नहीं थी और पाकिस्तान ने मजीद पीछे खाई में गिर जाना था। तो हमने सिर्फ सियासत को छोड़ के मुल्क बचाने के लिए, इस मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए हमने इनका साथ दिया और उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लालू भुट्टो सरदारी का होगा। अच्छा मियां साहब एक टाइम था कि पंजाब ने पीपल्स पार्टी की क्यादत समेत पीपल्स पार्टी का वर्कर भी बड़ा पुरजोश था
और बड़ा एनर्जेटिक था, और यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत एक्टिव होती थी। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर, जो रेल वर्कर से आप जैसे, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी, वो लोग भी नजर ना आए। ये क्या है, ड्रॉबैक है कि हमेशा पंजाब जो बड़ा एक मजबूत किला था कभी पीपल्स पार्टी का, लेकिन उसके बाद मुतमा के बाद वो पंजाब खड़ा नहीं, स्टैंड नहीं हो सका पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये तो है। सारे सूबे एक तरफ हों तो पंजाब के डून से बड़ा, यहाँ पे जो भी हालात होते हैं, असर होते हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका असर होता है। बदकिस्मती से जब से भुट्टो साहब को शहीद किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर पंजाब में नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जैलों वर्करों को सलाम, लीडरों को सलाम, कि उन्होंने इतनी जदोजहद की और इतने जुल्म ज्यादतियों के बावजूद अभी भी पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और पंजाब में ये होता है, हर जगह पर दुनिया में डेमोक्रेसी में एक पार्टी की हुकूमत आती है, दूसरा अपोजिशन में होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में अपोजिशन में है, तो इंशाल्लाह हुकूमत में भी आएगी। और हमें हमारे जैनों पे, पार्टी पे, कायदीन पे फख्र है कि वो अभी तक खड़े हुए हैं, भागे नहीं, हो उन्होंने पीटीए की तरह या नोने की तरह कहीं टोटे नहीं हुए पीपल्स पार्टी के। ये क्रेडिट गोज़ आसिफ अली जरदारी के बुलाओ चेयरमैन भुट्टो को जाता है कि इतनी ज्यादतियाँ होने के बावजूद 40 साल से हुकूमत नहीं, मगर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के हर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट तहसील में पीपल्स पार्टी खड़ी है, तहसील में मौजूद है, और हम इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन ये सब वो ग्रास रूट की सियासत, तो ग्रास रूट का जो आपका वर्कर था, इसका बुनियाद